नमस्कार, आप देख रहे खबर बिहार 24। मैं विवेका। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जिनकी इंट्री राजनीति में होनी थी और उन्हें नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया था, समय से पहले उन्होंने रिटायरमेंट लिया, लेकिन विधानसभा चुनावों में उन्हें टिकट नहीं दी गई। लंबे समय तक इंतजार के बाद भी किसी पार्टी ने पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को नोटिस नहीं किया और गुप्तेश्वर पांडे अंततः अब भगवत गीता का ज्ञान देने का मन बनाया और वो अब साधु का रूप धारण कर भगवा वस्त्र पहन लिए और कथावाचक बन चुके हैं। कथावाचक बने गुप्तेश्वर पांडे सोशल मीडिया के माध्यम से वर्चुअल तरीके से अब लोगों के बीच भागवत गीता का ज्ञान बांटेंगे। राजनीति से धोखा खाए, राजनेताओं से धोखा खाए गुप्तेश्वर पांडे अब भगवान के शरण में चले गए हैं। उन्हें समय से पहले रिटायरमेंट लेना पड़ा, टिकट नहीं मिली, वो चुनाव लड़ना चाहते थे एमएलए का, नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया, सदस्यता ग्रहण कराया, लेकिन अंततः उन्हें टिकट नहीं दिया गया। लंबे इंतजार तक रहने के बाद भी उन्हें तजब्बो नहीं मिली, किसी पार्टी ने उन्हें नहीं पूछा, तो अब वो भगवा पहन के साधु बन गए और अब वो कथावाचक बन के लोगों को भगवत गीता का ज्ञान बांटेंगे। यह अचंभा कर देने वाली ही समाचार कही जा सकती है। गुप्तेश्वर पांडे के अब नए रूप दिखाई पड़ेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन घंटी दबाकर शेयर करें और लाइक अवश्य वीडियो कर दें और कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। धन्यवाद।